हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। रामझूला दुर्घटना मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग को हस्तांतरित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका दुर्घटना में मारे गए मोहम्मद आतिफ के भाई शाहरुख जिया मोहम्मद ने दायर की है। याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ही सुनवाई होगी। दुर्घटना में मारे गए मोहम्मद आतिफ के भाई शाहरुख जिया मोहम्मद ने याचिका दायर की है। याचिका में गृह विभाग के सचिव, पुलिस आयुक्त, तहसील पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम भावल को प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि आरोपियों की मदद करने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम भावल सहित अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मामले से जुड़ी इस याचिका के लंबित रहने तक सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल न किया जाए। अब न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद की सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।